ऐसा केस चलाया जा रहा है कि इनसे पता है कि इसकी भी आखिर वही होगी जो बाकी केसेस की हो रही है। इसको सिर्फ घसीट रहे हैं। और इमरान खान ने कल कह के भेजा था, हमें ख़ास तौर पर कहा और हंस के कहा था, उन्होंने कहा उनको कहो नवाज शरीफ को जो 12 साल पुराना इल्लीगल गाड़ियाँ जो उन्होंने ली थी तोशे खाने से, वो इल्लीगल है, गाड़ियाँ आप ले नहीं सकते। 12 साल से कोई सुन ही नहीं रहा और इस वक्त इनको एक एक तोहफा ला ला के सुना रहे हैं। पाकिस्तान में जितने लोगों ने तोहफे लिए हैं पहले बताएं कि तोशे खाने के बाकी तोहफे गए कहाँ हैं। और कितने लोग हमें बताते हैं कि हमने तो कभी डिक्लेयर ही नहीं किया। जब एक ईमानदारी से इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने अपने डिक्लेयर कर दिए, उनके पीछे पड़ गए। अब ये जान के जो तमाशा बना रहे हैं ये इनके गले पड़ेगा। आपको मैं क्लियरली बता दूँ, यही केस जो चल रहा है ना, आपको मैं गारंटी करती हूँ कि कल हम ही लोग खड़े होकर इनसे पूछेंगे ज़रा अब आप अपने सारे जो तोहफे थे उसका हिसाब दें, ख़ास तौर पे वो गाड़ियों का जिसमें मरियम नवाज़ फिरती है या जरदारी के पास जो गाड़ियाँ आई हैं जो इलीगल हैं। तो उनका केस हम अब करने जा रहे हैं। हम इन सारों के ऊपर केस करेंगे कि आप पहले जवाब दें कि आप पहले जो इलीगल चीज़ें ली हुई हैं, क्या पाकिस्तान ये में जो हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के बैठे में उनको नहीं नज़र आ रहा। चीफ जस्टिस ने 2 महीने से जो ये कह रहे हैं कि इलीगल केस है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर चीफ जस्टिस हियरिंग कैंसिल कर देते हैं। क्या उनको जल्दी नहीं है? वो सुनने के लिए जल्दी नहीं है। आमिर फारूक के ऊपर पहले भी इमरान खान ने एतमाद नहीं किया। आमिर फारूक को ये इज्जत देनी चाहिए हम लोगों को कि हमने इनके ऊपर वो एतमाद किया था जब ये साइफर कर रहे थे और हमारे सारे सियासतदान और लॉयर्स ने आगे कहा था वॉकआउट कर जाए। 6 जजेस छोड़ चुके हैं और हमने इनकी इज्जत की, हमने इनको इज्जत दी कि नहीं, हर इंसान के दिल में एक नेकी होती है कि ये इंसाफ देंगे। तो अगर हमने आमिर फारूक के ऊपर किया तो ये या तो किसी और को केस पकड़ा दें, इनको तो अव्वल तो सुनना ही नहीं चाहिए, और पकड़ा दें किसी को। इनको क्या ये लोगों का जो मूड देख रहे हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि इसके बाद ये इनको फेस करना पड़ेगा कि इंसाफ दिया कि नहीं दिया। कि ये आज इमरान खान और बुशरा बीबी इसलिए जेल के अंदर हैं क्योंकि एक तोहफे के पीछे, क्योंकि आमिर फारूक नहीं सुनना चाह रहा, एक इलीगल जो वो इन्होंने जो सलमान सफदर ने वहाँ फाइल किया हुआ वो केस ही नहीं सुन रहे हैं। तो अब वो छुट्टियों पे चले जाएंगे। सिर्फ आमिर फारूक की वजह से इस वक्त इमरान खान जेल में है, ये मैं आपको बता दूं, और उनको भी पता होना चाहिए। और अच्छा मैडम, क्या लग रहा है मुल्क जो है वो बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब बढ़ रहा है? देखें, मैं आपको बताती हूँ, कल इमरान खान ने एक बात की जो आपके चैनल्स में, मैं तो चैनल्स पे हैरान हूँ कि अपने अपने आपको इस तरह आप बेचारे गिरा लेते हैं। अच्छे बड़े बड़े चैनल्स थे और झूठ बोलना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा दी। बेचारों के पास इतना भी नहीं है उनके पास कि जी सच ही बोल देते। अब हमने बड़ा क्लियरली आके बताया, याद रखें एक ही चीज़ है जो इमरान खान 1 साल से ज़्यादा हो गया, 15 महीने हो गया, वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, आप हमें CCTV फुटेज, बस ये बस आप चला दें CCTV फुटेज। इमरान खान ने कहा है हाँ कि CCTV फुटेज दिखाएं कि PTI का बंदा किधर है। अगर कहते मैं खुद देख लूँगा और अगर मुझे नज़र आए, पहले CCTV फुटेज निकलेगी तो फिर देखेंगे ना, और उसके ऊपर दिखाएं कि कौन से PTI के बंदे ने जाके बिल्डिंगें तोड़ी हैं। कहते माफ़ी तो मेरे से मांगे जिस तरह उन्होंने मुझे वहाँ से हिरासत में किडनैप किया, अबडक्ट किया, वो इलीगल था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है, वो आप कर सकते हैं, उसकी पहले तो आप माफ़ी मांगें कि एक इतने बड़े पाकिस्तान का एक लीडर था, इज़्ज़तदार बाइज़्ज़त इंसान, उसके साथ आपने क्या किया। चले आप ना माफ़ी मांगे। इमरान खान कहते हैं मैं माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि पहले CCTV फुटेज सारी निकालें बिल्डिंगों की और दिखाएं कि किस जगह पे PTI के वर्कर्स ने जाके इन बिल्डिंगों को जलाया है। फिर से सुन लें, CCTV फुटेज जब ये सामने आएगी, कहते हैं खुद निशानदेही हम करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा और फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन इसके अंदर जो रुकावट है सबके लिए, वो कौन सी चीज़ है? CCTV फुटेज। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और मरियम नवाज ने जो बयान दिए थे उस टाइम के हमला करो, क्या उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? किसी ने नहीं कहा था हमला करो, ना शाह महमूद ने। और बेटा आपने ये कहाँ सुना, जरा हमें भी दिखा दें सबको। आपको TV चैनल झूठ बोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त कराची से चढ़ रहे थे कराची से जहाज चढ़ रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था। और ये किसी ने हमला नहीं किया, आपको भी पता है किसने हमला किया है। ये टीवी पे जो चला रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, पीछे चले जाएं। किसी ने हमला नहीं किया था इन बिल्डिंगों पे। सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई कह नहीं सकता किसने हमला किया। वो ले आए, इमरान खान 15 महीने क्या 16 महीने से मांग रहे हैं कि वो निकाल दें, दिखा दें। देखिए सारी किसके पास है सीसीटीवी? जिनकी बिल्डिंगों के ऊपर लगे हुए कैमरे उन्हीं के पास है। आज आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है, आप सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हर जगह से निकाल लेते हैं। पूरे रास्ते पे कैमरे लगे हुए हैं, निकाल के ले आए। अब पहले वो लेकर आए। वैसे भी जब ये केस चलेगा अदालत में, जब अदालत में केस चलने चाहिए, अदालत में सबको जिनको आपने जेलों में डाला हुआ है उनके केस नहीं चला रहे। एक दफ़ा आयो नहीं आता, हमारे केस में देख लें, लाहौर में आयो नहीं आता, कहते जी आज सोया रह गया था, सुबह रात को बड़ी उसने मेहनत की, उसकी वो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको रोज़ कुछ होता है। कल हमने कह दिया कि हम अदालत से नहीं निकलेंगे जब तक नहीं आता आयो। आयो आया, उसे जज ने साहब ने पूछना शुरू किया, सबूत दो। कहते जी एक सिपाही ने देखा था, इसके हाथ में हथियार था, इसके हाथ में बैनर था। उन्होंने कहा तुम सबूत के बगैर मैं कैसे, इसलिए जज साहब ने बेल दे दी 15 लोगों को और 2 बच्चों को छोड़ दिया। इसलिए अभी आने देंगे, सारा कुछ आना चाहिए, केस चलना चाहिए, 9 मई का चलना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए, जजेस को बुलाना चाहिए कि किन के पास है वो टीवी फुटेज। अच्छा ये बता दीजिएगा कि लोन किया जा रहा है? नहीं, कहीं नहीं घूम रहे। नहीं देखें, पहले बिल्कुल सबका ख्याल रखा जा रहा है, सारा डाटा सबके पास है। अगर वो बच्चे जिनकी है, बल्कि खदीजा शाह खुद लेकर गई हुई थी उनको हॉस्पिटल, तो वो कौन है? वो इंफरादी तौर पे कर रही हैं, वो अपने खर्चे से कर रही हैं, पार्टी फंड से नहीं। पार्टी फंड देखें, लोग पार्टी में फंड कहाँ से आता है बताएं? लोग देते हैं, तो लोग सारे मदद कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? पार्टी फंड कहाँ से आता है? कोई मनोसलबा तो नहीं है। लोग सारे मदद करते हैं। इस वक्त कैदियों की, उनकी फैमिलीज की लोग डायरेक्टली मदद कर रहे हैं। आपको ये भी मैं बताती चलूँ, अगर आप कैदियों की मदद करें कल आप पे भी इल्ज़ाम लग जाएगा। ये तो लोग कहते हैं, एजेंसी वाले बंदे पहुंच जाते हैं कि आपने इनकी मदद नहीं करनी, लोग को डराते हैं अगर इनकी मदद करो, इसलिए लोग छुप के कर रहे हैं।